हेलो फ्रेंड्स, ब्लू स्पोर्ट्स काउच में आप सभी का स्वागत है। आरसीबी बनाम गुजरात का ये फैंटेसी प्रीव्यू, बट देखते हैं ब्लू स्पोर्ट एआई टीम की परफॉर्मेंस पिछले 3 दिन की। कल का जो आरआर वाला गेम था वो रहा प्रॉफिटेबल, उसके पहले चेन्नई पंजाब था प्रॉफिटेबल एंड उसके पहले लखनऊ मुंबई में मिला क्लीन स्वीप। फिर से इस मैच की ब्लू स्पोर्ट एआई की फैंटेसी टीम पाने के लिए आपको ब्लू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है और वहां पर डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले आपको फाइनल टीम मिल जाएगी अलॉन्ग विथ 20 जीएल टीम्स। तो जाइए फिर देश किस बात की, फटाफट डाउनलोड कीजिए ब्लू स्पोर्ट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है और डेली इस लिंक के थ्रू जो भी डाउनलोड करेगा ब्लू स्पोर्ट ऐप को या यूज करेगा हमारा रेफरल कोड YouTube24, 3 लकी विनर्स डेली को मिलेगा मौका ब्लू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री पाने का। तो चलते हैं फिर इस मैच के फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। मैच नंबर 52 आरसीबी वर्सेस गुजरात एट बेंगलुरु, और जो आखिरी मैच हुआ दोनों टीम्स के बीच एट हैदराबाद था ब्लॉकबस्टर, जहां पे हमें देखने को मिली एक सेंचुरी फ्रॉम विल जैक्स आखिरी 50 से सिर्फ 10 बॉल में, और आरसीबी अभी भी बने हुए मैथमेटिकली, इम्प्रोबेबल काफी है बट अभी भी जो उम्मीद है वो अभी भी जिंदा है। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पावर्ड फैंटेसी अकेडमी। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर है, मिस्टर प्रतीक को सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच वसीम सर। हम हर साल जो है वो आरसीबी फैंस वो डिफरेंट परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा लेते हैं, सारे रिजल्ट्स पॉसिबल जिसकी वजह से आरसीबी पहुंच जाए और अभी भी वो बने हुए उसको, तो आपको लगता है कि वो उम्मीद अभी भी जगी हुई है और वो जो कैलकुलेशंस है करते रहना चाहिए अभी? देखिए, टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से ना आरसीबी इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं, ये बहुत जरूरी है, वरना आपकी टीआरपी कम हो जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसीबी बनी रहे लास्ट तक, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मुश्किल है। वो आरसीबी के जो फैंस है ना, वो साथ एक टी शर्ट के साथ में कैलकुलेटर भी रखते हैं अपने साथ में कि भैया उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सर वैसे हमारे साथ में एक एमआई सुपर फैन भी है और उनको भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है इस साल, तो उनके लिए भी बता दो कि एमआई के चांसेस है या नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, उनके भी उतने ही चांसेस है जितने आरसीबी के चांसेस है। प्रतीक भाई कैसा लग रहा है आपको सेम बोर्ड पे सवार हो के आरसीबी के साथ? नहीं, एक तीर दो निशान, तो वसीम भाई ने ही स्किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन। बट नहीं पीयूष, मैं जैसे मैं कह रहा था कि मतलब एटलीस्ट एमआई के लिए तो मैं कह भी सकता हूँ कि डिजर्व नहीं करती है जिस तरीके से खेल रहे हैं, राइट? मतलब वो स्टार स्टडेड लाइनअप रखती है, पेपर पे शायद काफी स्ट्रॉन्ग है, बट यू हैव टू बैक इट विद परफॉर्मेंस जो हुआ नहीं। तो अभी भी 3 गेम, मतलब 4 गेम बचे हैं अभी, आई फील कि 4 में से 4 जीते, 14 पे पहुंचेंगे वसीम भाई, तो 14 पे क्वालिफाई करना है आउटसाइड चांस। उम्मीद बिल्कुल छोड़नी नहीं है फिलहाल, अगर इस रेवलरी पे आए तो 4 मैचेस हुए हैं, लास्ट मैच जो है वो धो दिया था आरसीबी ने अहमदाबाद में जब हुआ था, अब चिन्नास्वामी में आ गए हम और दोनों टीम्स में फिर से वो जो हम बात करते हैं ना, एक तेरा एक मेरा वैसे चला है अभी तक, तो एक एक मैचेस जो है हर मैच में से ऑल्टरनेट जीतते हैं, तो 4 में से 2 हो चुके हैं अब। आखिरी बार जब दोनों टीम्स खेली थी यहाँ पे तो फिर जीता था गुजरात ने और एक सेंचुरी देखने को मिली थी हमें फ्रॉम शुभमन गिल और अनबीटन नॉक थी। फिलहाल 3 मैचेस है, तीनों में आउट नहीं हुए और लास्ट अगर 3-4 मैचेस की बात करें तो कुछ बड़े रन आए नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शुभमन गिल से। लास्ट मैच में अगर आपने प्रीव्यू देखा हो बिटवीन गुजरात और जो आरसीबी वाला जो मैच था अहमदाबाद, तो भी हमारे कैप्टन विराट कोहली बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन थे। इसके अलावा आपने विल जैक्स की काफी बात की थी, कैमरन ग्रीन की बात की थी, कॉम्बिनेशन मेरा फुल फेवर इन फेवर ऑफ आरसीबी था। इस मैच में आपके लिए फेवरेट कौन है और आपके कैप्टनसी ऑप्शन वसीम सर? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विराट कोहली तो होंगे, जस्ट ऑरेंज कैप पे अभी सेकंड नंबर पे आ गए हैं क्योंकि ऋतुराज आगे निकल गए, तो वो तो होंगे ही, इस ग्राउंड पे जानते हैं, सबसे ज्यादा रन उन्हीं के हैं। उसके अलावा 2 ऑप्शन है, इधर साई सुदर्शन क्योंकि वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, वो भी ऑरेंज कैप की रेस में है। शुभमन गिल जैसे आपने कहा इस ग्राउंड पे 100 बना चुके हैं और ऐसा लगता है कि एक बड़ा नॉक ड्यू है, तो आप शुभमन गिल और साई सुदर्शन में आप किसी को भी बना लीजिए वाइस कैप्टन, मेरे हिसाब से दोनों एक्सपेक्टेड है कि रन्स बनाए। जी, विराट कोहली बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है और हम लास्ट मैच में भी बात की थी उनकी, उससे पिछले में भी इनफैक्ट सारे एपिसोड में बात की थी और सारे एपिसोड में कैप्टनशिप में जरूर लेते हैं। लास्ट 2 मैचेस में रन करके आ रहे हैं, साइड के अगेंस्ट रन करके आ रहे हैं, साइड के अगेंस्ट तो क्या हर मैच में रन किया उन्होंने अभी तक। 350 है, 100 है जिसमें से 270 आई है और 150 100, तो हर मैच में रन किए उन्होंने और चिन्नास्वामी में तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा रन किसी बैटर के हैं वो नहीं गई है। प्रतीक भाई, विराट कोहली एक बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी के लिए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है इस मैच में, वसीम सर साई सुदर्शन के साथ जा रहे हैं जिनके
लास्ट मैच में हमने बात की थी कि इवन दो इतने कंसिस्टेंट है वो कब आके 30 करते हैं पता नहीं चलता, बट तो भी हमारे कैप्टनसी ऑप्शन में होते नहीं है यूजली, और हमारे नहीं बहुत सारे जो ओपोनेंट्स मिलेंगे आपको वो फिक्स्ड नेम्स है वो कैप्टन रहते हैं, बट साई सुदर्शन जो कि हर बार काम करके चले जाते हैं अंडर द रडार रहते हैं, ज्यादा वो हाइप अभी तक है नहीं और बहुत ज्यादा लोग फैंटेसी में भी थोड़ा अंडर रेटेड है। आपके अकॉर्डिंग क्या साई सुदर्शन होंगे एक वाइस अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है इवन कैप्टन, और क्या शुभमन गिल को बैक करना चाहेंगे आप? बीच में मतलब साई सुदर्शन एब्सोल्युटली मतलब ना वो वही होता है कि यू हैव टू बैक दैट कॉल, और वो कॉल करनी पड़ता है बिकॉज इतने ग्लैमरस प्लेयर नहीं है, राइट? मतलब इतना ग्लोरी नहीं सोचते हम कि उनके साथ मिलेगा इसीलिए, बट वो कंसिस्टेंटली इतना रन बना रहा है, मैं काफी खुश हूँ कि एज अ एटलीस्ट एज अ क्रिकेटर इज मेकिंग अ मार्क, एंड वो काफी बढ़िया चीज है। तो साई सुदर्शन 100% कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, बट शायद उसको लोग अभी भी डिफरेंशियल सीवीसी की तरह शायद ट्रीट करें। शुभमन गिल, वसीम सर ने सही कहा कि मतलब ही इज ड्यू अ बिगिनिंग्स, लास्ट टाइम जब यहाँ पे खेले थे तब सेंचुरी है। हम डिस्कस भी करते हैं इस वीडियो से पहले कि यहाँ पर 3 नॉक्स खेले हैं, तीनों में अनबीटन है, खैर 2 उसमें नंबर 7 पर आए जैसे आपने बताया कि वो केकेआर वाले दिन थे। तो यस, ही इज ड्यू बिग टाइम, ग्राउंड शायद फेवरेबल हो सकता है, छोटा ग्राउंड है, लास्ट टाइम सेंचुरी मारी यहाँ पर, तो वाई नॉट। पर आई स्टिल फील कि शायद बैटिंग फर्स्ट, एटलीस्ट जैसा इस साल आईपीएल में दिखा है विद गिल कि बैटिंग फर्स्ट ज्यादा रन सॉर्ट ऑफ यू नो स्कोर कर पाए हैं वर्सेस चेज में, तो शायद उस सिनेरियो में शायद ज्यादा सेफर हो एज कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। अदरवाइज इनके अलावा मल्टीपल नेम जैसे मैक्सी इज बैक नाउ, आई एम श्योर मैक्सवेल की भी ये सीजन में भले ही विकेट टेकिंग एबिलिटी से 5-6 विकेट के साथ थिंक वन ऑफ द बेस्ट एवरेज है उनका शायद, या बेस्ट स्ट्राइक रेट है फॉर दिस थिंग, बट एक बैटिंग वाली नॉक बची हुई है, तो कहीं ना कहीं इन स्टार प्लेयर्स को भी स्टेप अप तो करना पड़ेगा। विल जैक्स ने स्टेप अप किया था पिछली गेम में, तो मे बी दिस कुड बी मैक्सवेल्स गेम। मैक्सवेल तो बॉलर तो बहुत चमके है, 5 विकेट भी है अभी भी, बेस्ट बॉलिंग एवरेज है, बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट है और आरसीबी दिस सीजन, तो वो बताता है आरसीबी के सीजन विद द बॉल जब आपके बेस्ट बॉलर के मैक्सवेल हो। वसीम सर, मैक्सवेल, जैक्स, कैम ग्रीन, 3 ऑलराउंडर्स फ्रॉम आरसीबी, और इस वेन्यू पे आप बैक भी करना चाहेंगे, बट क्या उनमें से कोई कैप्टनसी ऑप्शन बन सकता है? विल जैक्स ने लास्ट मैच में तोड़ दिया, फोड़ दिया, क्या आप सिमिलर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैम ग्रीन या फिर मैक्सवेल से भी? देखिए, कैमरन ग्रीन थोड़ा सा नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तो वो सिनारियो क्या होगा यू डोंट नो कि वो कब आते हैं बैटिंग करने के लिए, बट विल जैक्स बहुत ही टेम्पटिंग ऑप्शन है, क्योंकि जिस तरह से अब वो फॉर्म में आए हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है कि वो स्पिनर उनके लिए दिक्कत पैदा करेंगे। जिस तरह से राशिद को उन्होंने मारा, तो अगेन ये ग्राउंड तो और भी छोटा है, तो विल जैक्स मेरे हिसाब से डेफिनेटली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में आप उनको डिफरेंशियल में रख सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्रतीक ने कहा कि ही इज ऑल्सो ड्यू, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इवन दो इस सीजन वैसे परफॉर्मेंसेस नहीं आए हैं, बट यू नेवर नो विथ मैक्सी, वो उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि कब वो ऐसे परफॉर्मेंस आएगा, तो वो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा, बट बिल्कुल उनपे पंट करना इज नॉट अ बैड थिंग। हरीक भाई, वो प्लेयर जो कि आपकी टीम में से नहीं देखने वाला है इस मैच में, आपको क्रिएट अवॉइड। पीयूष भाई, प्लेयर टू अवॉइड में मतलब अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में शायद रिद्धिमान साहा की तरफ थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ। व्यू स्पोर्ट का नया फीचर आप सभी ने देख लिया होगा, वहां पर प्लेयर वाइज मैचअप मिलता है, बॉलिंग टाइप वाइज मैचअप मिलता है, इनिंग्स वाइज डेटा भी है। तो जब मैं वहां पर रिद्धिमान साहा को देख रहा था, तो सबसे पहला स्टार किया कि मोहम्मद सिराज के सामने इनके नंबर्स, राइट? और वो इतने बढ़िया नहीं है, तो साहा वर्सेस सिराज मैचअप फिर से देखने मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ कि सिराज में साहा को अवॉइड करूँ यहाँ पर। इनके अलावा आई थिंक बोलिंग डिपार्टमेंट में हम सभी काफी लोगों को यू नो अवॉइड करेंगे, शायद सारे बॉलर्स भी अवॉइड कर दें चिन्नास्वामी में, तो एक हाथ बॉलर को लेके जाने का ही मौका मिले। बट हाँ, मतलब इस तरीके से होगा, बट बाकी जो मेन की प्लेयर्स हैं उनमें आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल मेक इट। बैटिंग सेक्शन से अगर मुझे पिक करना हो तो रजत पाटीदार, शायद मैं टेम्पटेड हो जाऊँ कि उनको भी अवॉइड करूँ इस पर्टिकुलर गेम में, मे बी बिकॉज विद मैक्सवेल कमिंग बैक, मुझे नहीं लगता कि शायद पाटीदार विल रिटेन हिज नंबर 4 पोजीशन, हो सकता है कि मैक्सी को प्रमोट किया जाए वहां पर, तो वो थोड़ा सा टू माइंड्स में हो यहाँ पर। ठीक है रिद्धिमान साहा, वैसे लास्ट मैच में उन्होंने बात की थी कि अवॉइड कर सकते हैं, बट वो इतना अपसाइड था नहीं, क्योंकि दिनेश कार्तिक का बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न रहा था इस साइड के अगेंस्ट। पहले उन्होंने 3 बॉल खेली, फिर उसके बाद 2 बॉल खेली, फिर 1 बॉल खेली, तो हम वैसे मस्ती की बात भी की थी हमने, हो सकता है शायद इस मैच में बैटिंग करने ही ना आए, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, हो सकता है इस मैच में रन भी कर दें, बट जिस पोजिशन पे वो आ रहे हैं, और रिद्धिमान साहा ने एक्चुअली इस वेन्यू पे एक सेंचुरी भी की है। मैचअप अगेंस्ट रिद्धिमान साहा उनके फेवर में नहीं रहा है, 3 डिसमिसल है, बट थोड़े बहुत अगर रन आ गए और कीपिंग से अगर पॉइंट्स मिल गए तो वो वैल्यू उनके साथ में, दिनेश कार्तिक के साथ में ऑफकोर्स हुआ है, बट बैटिंग ऑर्डर जो है उसकी वजह से शायद रिद्धिमान साहब भी सेफर ऑप्शन है, बट अगर आप वैल्यू अगर आपको लगती है दिनेश कार्तिक के साथ, तो ऑफकोर्स उनके साथ में भी जा सकते हैं। वसीम सर, आपके लिए प्लेट अवॉइड? या मेरे लिए
विद्यमान साहा तो एक होंगे ही, शायद मैं भी उनको नहीं रखा हूँ, जैसे फॉर्म चल रहा है बड़ा बड़ा ही मुश्किल है कि उनको मैं फिट करूँ। उसके अलावा फाइव डुप्लेसी शायद मेरी टीम में ना हो, क्योंकि मैं शुभमन विराट और साई सुदर्शन के साथ जाऊंगा। और जो प्रतीक ने कहा कि अगर पाटीदार की जगह पे मैक्सवेल को आगे करते हैं तो आरसीबी को फिर सलाम होगा, क्योंकि आप एक इनफॉर्म प्लेयर को अगर आप फिर नीचे ला रहे हो किसी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर के लिए, तो आई मीन फिर क्या ही कहना। तो ऑब्वियसली अगर मैं रहूं तो वो नहीं करूंगा, बट शायद फाफ डुप्लेसी मेरी टीम में नहीं होगी। आज वसीम सर फुल मूड में है। फिलहाल रजत पाटीदार टीम में होंगे या नहीं होंगे, ग्लेन मैक्सवेल हमारी टीम में जगह बनाएंगे क्या, एस कैप्टन वाइस कैप्टन, तो उसके लिए बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम, जहां पे चल रहा है लोएस्ट कमीशन और जस्ट इन फैंटेसी भी, जहां पे जस्ट ये है कि आपको जितना आप खेलेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, जितना आप डिपॉजिट करेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, और रिडीम हो जाएंगे सीधे एमसीजी जाने के लिए फॉर द बॉक्सिंग डे टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑफकोर्स बॉक्सिंग डे पे ही होने वाला है। बट मजे मजे एकदम, क्योंकि जाएंगे आप दिसंबर में जहाँ पे एकदम बेहतरीन माहौल होता है वहां पे आपको। इसके अलावा वहां जा सकते हैं आप न्यू ईयर्स ईव पे एडिलेड ओवल, जहाँ पे बीवीआर भी चल रहा होगा, तो छोड़ना नहीं है। वसीम सर आपकी हो गई पैकेज? मेरे पास हाँ एक जोड़ी जो पहन के जाना है वही निकाल के रखी हूँ सर ठंड मैंने। होगी बहुत। हाँ वही स्वेटर अभी खरीदने निकल अरे सर वी स्पोर्ट बैग भेज देगा साथ में, घबराना नहीं है। रहे प्रदीप भाई वैसे टिकट वगैरह हो गए हमारे? हैं भाई, आप चिंता मत करो। अच्छा, कि ऐसे बोल बोल के ना इग्नोर करते हाँ रहते हैं बस। लास्ट तक कोशिश करूंगा जब तक ये सीजन खत्म होता है कि मैं कन्विंस कर पाऊँ कि एक टिकट मेरा भी ऐड कर दो। परसिवियरेंस इज अ वेरी गुड क्वालिटी, करना चाहिए परसिवियर हमेशा करना चाहिए। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे है ना, पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है, वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलो ठीक है, फैंटेसी अखाड़ा की बेस्टिंग बना लेते हैं। फिलहाल विकेट सेक्शन में आपके पास सहा, दिनेश कार्तिक है, जो कि आप टोटली अपना कॉल ले सकते हैं क्योंकि टॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं वैसे आप। बट फिलहाल वसीम की टीम में दिनेश कार्तिक है, प्रतीक भाई की टीम में दिनेश कार्तिक है, मेरी टीम में शायद विद्यमान साहा मिल जाए, क्योंकि अब जो टॉप ऑर्डर है थोड़ा वो थोड़ा और सेटल लग रहा है आरसीबी का। फिलहाल बैटिंग सेक्शन में शुभमन गिल, विराट कोहली, साई सुदर्शन, मैं होपिंग ये तीनों के पास मिलने वाले हैं, और आपके ओपोनेंट के पास में भी और आपके पास में भी। फैफ डु प्लेसी वैसे तो बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है, बट अगेंस्ट राशिद खान, अगेंस्ट नूर उतने इंप्रेसिव नहीं रहे वो नंबर्स, राशिद खान के अगेंस्ट तीन, नूर अहमद के अगेंस्ट दो, इंक्लूडिंग वो S20 में जो लास्ट मैच खेला था उन्होंने वहां पर भी नूर ने उन्हें आउट किया था। लास्ट मैच में रन जरूर किए, अच्छी स्टार्ट जरूर मिली, फिर साई किशोर ने आउट किया। वसीम सर आपको ड्रॉप करने का लॉजिक, आपको लगता है एक स्पेसिफिक थ्रेट है उनका क्योंकि उनके नंबर्स इस फैनी बच रहे हैं? जी हाँ, आई मीन वो फाफ को स्टार्ट जरूर मिली है, लेकिन वो उस तरह के रन्स नहीं आए अभी तक, तो फॉर्म के चलते, और वो ऐसे T20 में भी रन नहीं बनाए, तो वो यू नो फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लगता है कि देर आर बेटर ऑप्शन, इवन दो फाफ बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बट ऑब्वियसली एज भी एक फैक्टर है, वो फॉर्म भी एक फैक्टर है, तो शायद उस वजह से वो मेरी टीम में ना। प्रदीप भाई आपके लिए बैटर्स ऑलराउंडर्स? पीछे बैटर्स में मतलब गोइंग विद गिल, कोहली, सुदर्शन, जो फाफ वाला पॉइंट था वो काफी वैलिड था जब वसीम सर ने कहा भी, और मैं वो व्यू स्पोर्ट वाले मैचअप्स में देख रहा भी था मैं, तो राशिद खान का मैं टीम में दो डिसमिसल है, आई थिंक इवन नूर अहमद का मैं स्ट्रगल करा है, तो काफी, और दोनों शायद, नूर अहमद तो पक्का पावर प्ले में होंगे, हो सकता है राशिद खान भी पावर प्ले में बॉलिंग करने आ जाए, तो वो एक फैक्टर शायद हो सकता है जो ट्रबल कर ले, बट फॉर नाउ मतलब एटलीस्ट इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद मैं फाफ को, बिकॉज अगर फाफ चल गया तो काफी ज्यादा यू नो नुकसान होता है, बिकॉज मैं पाटीदार के फेवर में भी नहीं हूँ, राइट? तो अगर मैं आरसीबी के टॉप फाइव में से दो बैटर ड्रॉप करूँ तो शायद वो काफी नुकसानदायक हो सकता है, तो ये चार बैटर्स पर ना ऑलराउंडर्स में जैक्स, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, तीनों स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन एटलीस्ट फॉर मी, तो मैं तीनों को बैक करूंगा। जैक्स के साथ अगेन लास्ट गेम में ही सेंचुरी मार कर आ रहे हैं, बोलिंग वाली वैल्यू ना हो विथ मैक्सवेल रिटर्निंग, मैक्सी के साथ ऑफकोर्स बोलिंग वाली वैल्यू है, बैटिंग में भी शायद कुछ कर जाए, एंड कैमरन ग्रीन अगेन सेम लॉजिक के साथ, तो ये तीन ऑलराउंडर्स हैं जिनको बैक करूंगा, ओमर जाए एक्सेट्रा शायद अभी बैक ना कर। सेम मेरे भी ऑलराउंडर्स रहेंगे तीनों, जिसमें आपको देखेंगे जैक्स, मैक्सवेल और कैम ग्रीन। बैटिंग सेक्शन में हमने एक प्लेयर की बात नहीं की है, वो है डेविड मिलर। मिलर वाइल चेजिंग, हमने जो दिल्ली वाला मैच था तब भी बात की थी, और वो टॉप डिफरेंशियल उस मैच में रहे, टीम में भी थे इनफैक्ट मेरी, और अच्छे खासा रिटर्न वो देखे गए, अच्छे खासा जो है
जितने पॉइंट्स दिए उसकी वजह से वो काफी अच्छी खासी लीड मिली। इस मैच में क्या आप रखना चाहेंगे? बहुत ही छोटी बाउंड्री है, एकदम पाटा विकेट, डेविड मिलर को अगर वो 10-12-15 डिलीवरीज में मिल जाती है तो अच्छा खासा डैमेज कर सकते हैं वो। वसीम सर, मिलर के आंकड़े जो है लास्ट अगर हम 2-3 साल में देखेंगे तो वो चेस करते हुए बहुत ही बेहतरीन रहे, क्या चेस करते हुए पिक करना चाहेंगे या इवन बैट फर्स्ट भी? चेस करते हुए तो होंगे ही। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जब नंबर 5 पर आ गए, उन्होंने शाहरुख को प्रमोट किया था, तो आई थिंक वो बेटर नंबर है उनके लिए। तो चेस करते हुए तो नो ब्रेनर है कि वो होने ही चाहिए। शायद बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी हो जाए, क्योंकि आई थिंक अब अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये छोटी बाउंड्री है, सामने बहुत ज्यादा थ्रेट भी नहीं है। आई मीन के बहुत ऐसे आउटस्टैंडिंग स्पिनर है जो उनको मिडल ओवर्स में डाले, मे बी करण शर्मा एक हो सकते हैं, बट उसके अलावा कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है कि जो ज्यादा ट्रबल करे। तो मेरी टीम में तो डेविड मिलर होंगे जरूर। सर आपकी टीम में बोलर्स कौन होंगे? और राशिद खान एक ऑप्शन है जिन्हें भले ही लास्ट मैच पे रन पड़े हों काफी, बट इस वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है राशिद खान, ऑफ कोर्स राशिद खान है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज, अब जो लास्ट अगर 2-3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, वो भले ही उतने विकेट से नहीं मिले हो बट वो काफी अच्छे रिदम में अब लग रहे हैं। और सर इससे याद आया कि ये T20 वर्ल्ड कप के जितने प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की बड़ी चर्चा है, और वो जो वायरस है ये, इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल है? क्योंकि मैंने जितने लोगों को लास्ट मैच में सैमसन का कैप्टन बनाया था वो भुवनेश्वर की एक अनप्लेबल पिच मिल गई उन्हें, आपके अकॉर्डिंग ये कहीं इलाज हो रहा है इसका, और ये क्यों हो रहा है और कब तक चलेगा? तो फैंटेसी में ध्यान रखा जाए नहीं, कैच उसका उसका एंटीडोट कल दिया था पैट कमिंस ने। उन्होंने हो कैच गया। छोड़ा यशस्वी जायसवाल का, और वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने रन बनाए। तो मुझे नहीं लगता अब आगे वो दिक्कत होगी, वो तोड़ दिया है उन्होंने। चलो गया तो तो अब बॉलर के हिसाब से मैं सिराज को रखूंगा। वो एक मेरे बॉलर होंगे, और बॉल फर्स्ट करते हुए तो मैं रखूंगा बॉलर्स लोगों को। राशिद होंगे मेरी टीम में, उसके अलावा मैं आपको बताऊं, करण शर्मा को भी मैं रखूंगा, क्योंकि वो एक वाइड लेग स्पिनर है आरसीबी में, और इतनी बुरी गेंदबाजी नहीं कर रहे। मे भी अगर थोड़ा मैच फंस गया तो बैटिंग से आपको कुछ पॉइंट दे दे। बट उसके अलावा जो सेकेंड हाफ के बॉलर्स है, शायद उसको पिक करना मुश्किल होगा, क्योंकि बॉलिंग मुश्किल हो जाती है सेकेंड हाफ में ड्यू आने से। बट फर्स्ट हाफ के बॉलर्स अगर वैसे रहा तो उनको मैं जरूर रखूंगा। हरी भाई आपके लिए बोलर्स, और यश दयाल जो है वो विकेट्स मिले नहीं है बट काफी कंसिस्टेंटली आपको वो जो है उस फेज में आ रहे हैं जहां पे वो विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। लास्ट मैच में भी 20th ओवर अगेंस्ट डिसाइड किया था, विकेट नहीं मिला, बट कभी तो वो एक ऐसा मैच आएगा जहां पे वो 2 विकेट तो लेके जाएंगे। क्या आपको लगता है ये मैच हो सकता है और ट्राई किए जा सकते हैं अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आपको 1920 ओवर करते हुए दिख रहे हैं? पीयूष भाई 100% मतलब वर्थ अ ट्राई। अगर गुजरात बोलिंग फर्स्ट करी तो राशिद खान मेरे लिए आइदर सिनेरियो में रहेंगे, बोलिंग फर्स्ट हो बोलिंग सेकंड हो, बिकॉज अगेन वैल्यू बैटिंग फर्स्ट में भी उनका हो जाती है काफी, तो इतना दिक्कत नहीं है। राशिद खान आइदर सिनेरियो में, जब आरसीबी बोलिंग फर्स्ट करी हो तो सिराज एंड यश दयाल आर द टू बोलर्स जो मैं सोचा था कि मैं बैक करूंगा इस पर्टिकुलर गेम में। अगर गुजरात बोलिंग फर्स्ट करी हो तो वहां पर मोहित शर्मा को बैक करने की हिम्मत करूंगा फिर से, बैक टू बैक बहुत सारे मतलब -2 -2 फैंटेसी पॉइंट्स मोहित शर्मा को बैक करते हुए, आई थिंक इतने अक्सर मिलता नहीं है बट बैक टू बैक मिला। आई थिंक यहाँ पर शायद चेंज हो जाए, ग्राउंड छोटा है बट खैर, बट आई होप कि शायद हो जाए, तो मोहित शर्मा वहां पर होंगे। एंड देन टेम्पटेड हूँ कि बिटवीन नूर अहमद और संदीप औजला, अगर संदीप औजला खेलते हैं बॉलिंग काफी बढ़िया की थी और डिफरेंशियल भी अच्छे खासे हो सकते हैं, तो इफ ही इज प्लेइंग देन थोड़ा सा हटके अगर पिक करना होगा, बिकॉज इस गेम में मोटा मोटा वही सेम प्रॉब्लम होगा कि 11 में से 8-9 प्लेयर सिमिलर होंगे, शायद कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी में गेम चेंज होता है, तो वहां पर संदीप औजला जिस तरीके से एटलीस्ट कुछ गेम में बोलिंग करी थी जब आए थे, तो मुझे लगता है कि शायद ही कैन बी अ गेम चेंजर इन दिस। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कुछ मैचेस गए हैं मोहित शर्मा के लिए, वो सबसे महंगा स्पेल भी डाल चुके हैं सीजन, लास्ट मैच में भी रन पड़े तो लास्ट 3-4-5 मैचेस जो हैं बहुत ही खराब रहे हैं। नूर अहमद का भी जो है जॉइंट मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल था वो लास्ट मैच में अगेंस्ट गुजरात, इसके अलावा जयपुर में भी वो सेम स्पेल था जब वो एक चैंपियन साइड के अगेंस्ट आ गए थे, रन पड़े थे उस मैच में। तो इस मैच वैसे कहाँ पे प्रतीक भाई, वो हमने सीजन स्टार्ट होने से पहले बात की थी RR वर्सेस MI राइवलरी की, तो अभी कहाँ पे है भाई? नहीं पीयूष भाई, मतलब एक ऐसे एक सीजन में देखेंगे तो फिर मतलब काफी कुछ पलट सकता है, बट अगर हम आज तक देखें जो पिछले 16 15 16 आईपीएल हुए, तो उसमें कितने टाइटल्स हैं वैसे आरआर के? हाँ अच्छा देखो बात ही सीजन की हुई थी, अब आप देखो आप इधर उधर घुमा रहे हो। तो बट आरआर इसी के साथ के हमारी वैसे बेस्ट टीम तैयार हो गई है, तो चलता रहेगा इस शो पे, तो आते रहना, ये मस्ती करते रहेंगे हम। फिलहाल के लिए बेस्ट टीम तैयार है, अब इसमें जो चेंजेस होंगे वो आपको ऑन टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। हालांकि कंडीशन में कुछ बदलाव होने वाला है नहीं, चेन्नई सौ में कुछ अलग नहीं होगा, बहुत सारे रन देखने को मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो है मूड।
मूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में मूड बदल जाता है और कई बार वो आपके फेवर में जाता है, कई बार बहुत नुकसान करा के जाता है। तो अगर आपको वो देखना है कि आज मूड क्या है और क्या बदला है, तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, फाइनल टीम मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और सबकी टीम अलग है, प्रतीक भाई अलग टीम से खेलते हैं, एआई की अपनी एक अलग टीम है जो कि एआई खुद देते हैं, मेरी टीम अलग है, वसीम सर की टीम अलग है। और आपको लीडर बोर्ड में सबकी रैंक भी दिखेगी, जो हम सेलिब्रिटी एक लीडर बोर्ड वहां चलाते हैं, जिसमें वसीम सर अभी भी लीड कर रहे हैं सर, लेकिन ज्यादा दूर हो नहीं, मैं आ गया हूँ बहुत पास। भैया आप तो पुराने चावल हो, तो कोई नहीं सरप्राइजेस नहीं है कि आप कैचअप कर रहे हो, हम तो नए नए हैं। चलिए सर, लेकिन नए नए होके जैसे आप हरा रहे हो, ये अच्छी बात है मेरे लिए। नहीं, अभी टूर्नामेंट बाकी है, दिल्ली दूर है अभी। दिल्ली दूर है, लेकिन दिल्ली पॉइंट्स टेबल में जैसे ऊपर आ रही है, और ये जो कॉन्टेस्ट है अच्छा खासा चल रहा है, और वो जो मिड टेबल में जो राइवलरी है वो काफी हीट हो चुकी है, और अच्छा खासा जो है टूर्नामेंट सेट हो गया है फाइनल स्टेज के लिए, जहाँ पे वो थर्ड फोर्थ स्पॉट के लिए अभी भी टीम जो है काफी लड़ती हुई आपको दिखेगी। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, जाने से पहले हम करेंगे कि भाई सवाल जो कि ऑफकोर्स वसीम ने। इस बार थोड़ा सा बॉलर की तरफ चलते हैं। राशिद खान के एनालिसिस तो अच्छा लगा मैं जब जा सामने आप किसी बॉलर की बात कर रहे हो। जी, और राशिद को विकेट भी नहीं मिल रहे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। गुजरात जीत नहीं रही है तो मैं जाता हूँ 2 for 22 इन 4 ओवर्स। 2 for 22 जी, सर, साथ में आपका विन प्रेडिक्शन भी दे दो, आपकी आपकी टीम। विन प्रेडिक्शन। हाँ जी, कौन सी टीम जीत रही है आपका वार्डिंग? यार मैंने शुरू में कहा था कि आरसीबी का टूर्नामेंट में बने रहना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि आरसीबी बाहर चली जाएगी ना तो बहुत नुकसान होगा, तो आरसीबी। सर क्या कमेंट्री भी कर रहे हैं ना, तो ऐसे ब्रॉडकास्टर उन्हें चाहिए कि मसाला बना रहे टूर्नामेंट में, और वो तब रहेगा जब आरसीबी रहेगी। स्मार्ट प्रदीप भाई, आज राशिद खान का स्पेल और आपके लिए विनिंग टीम इस मैच में। पीयूष भाई, राशिद खान का स्पेल 4 ओवर्स 43 for 1 एंड जीतेगी आरसीबी मेरे हिसाब से। मैं आरसीबी को बैक करूंगा, अग्री करता हूँ वसीम भाई के पॉइंट के साथ कि बहुत आरसीबी फैंस और टूर्नामेंट के लिए जरूरी है कि वो बने रहे। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ 4 ओवर्स 39 for 2, और ये था हमारा डेली का टाइम पास, और मैं भी आरसीबी आरसीबी फैंस को कर देता हूँ। तो ये था हमारा डेली का टाइम पास, लेकिन आपको जरूर मिलेगा ये का प्राइस, जो कि होगा 500 रुपए का अमेजोन वाउचर। आपको बस कमेंट करना है राशिद खान का स्पेल क्या होगा, कंप्लीट स्पेल, और एक ही कमेंट अलाउड है, मल्टीपल कमेंट अलाउड नहीं है। अगर आप आसपास होते हैं तो आपको मिल जाएगा, और कोई भी नहीं हुआ वैसे तो कोई एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएगा, बट जो भी क्लोजेस्ट होगा उसे दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच वसीम सर, प्रति भाई समय देने के लिए, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू, थैंक यू सो मच।